फ्रेंड्स, ये मेरे जिंजर लिली के राइजोम्स हैं जिनको मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था विंटर में, क्योंकि विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चलाता है और जब एक बार प्लांट आपका डोरमेंसी में चलाता है तब आप उनको निकाल करके चाहें तो प्रिजर्व कर सकते हैं। और अब इनका सीजन आ गया क्योंकि मई जून के महीने में ये लगाए जाते हैं और इनमें अंकुरण फूटने भी शुरू हो गए, तो अब मैं निकाल करके इनको लगाने वाला हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं इनके लगाने का वीडियो नहीं शेयर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे अपने बल्ब ट्यूबर्स और राइजोम्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बल्ब और राइजोम्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर प्लांट का एक सीजन होता है, वो सीजन खत्म होने के बाद मोस्टली प्लांट जो है वो मर से जाते हैं और ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो उनको पूरे पॉट के सहित जो है अंदर रख सकते हैं, या फिर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए तरह से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उनको बाहर निकाल करके रख सकते हैं। उनको प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इनको ऐसे ही इसी पॉट में रहने देंगे और बाहर ही पड़ा रहने देंगे तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब बरसात आती है तो उस टाइम वो सड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर कोई कीड़े वगैरह खा जाते हैं उनको। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको चाहिए ये कि आप अपने बल्ब को, अपने ट्यूबर्स को, अपने राइजोम्स को पॉट से बाहर निकालें और उनको प्रिजर्व करके रख लें, या फिर आप चाहें तो उनको ऐसे ही पूरा का पूरा पॉट जो है अपने इंडोर लोकेशन पे, किसी ड्राई लोकेशन पे, वहां पे भी रख सकते हैं। किसी भी बल्ब राइजोम या फिर ट्यूबर्स वाले प्लांट को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनका बल्ब ट्यूबर्स या फिर राइजोम्स, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका प्लांट जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका होना चाहिए। अगर उसमें एक भी ब्रांच जो है हरी है तो आप उसको प्रिजर्व मत करिए, उसे अपने प्रिजर्व करने की लिस्ट से हटा दीजिए, तब तक उसको बाहर रखिए जब तक कि वो पूरे तरीके से ड्राई ना हो जाए। और जब भी आप उनको प्रिजर्व करना चाहें तो आप उन्हें पानी देना बंद कर दें, और जब एक बार आपका प्लांट पूरे तरीके से सूख जाए उसके बाद आप उनको पॉटिंग मिक्स से बाहर निकाल लें। मैंने अपने पॉट को पानी देना बंद कर दिया था, लेकिन अभी हमें 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश चल रही थी और उसकी वजह से काफी पॉटिंग मिक्स भीग सा गया है, और इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया इनको बाहर निकालना, क्योंकि अभी ये बल्ब मेरे सूख चुके हैं और अगर आप ज्यादा दिन ये मॉइस्चर में रहेंगे तो ये तुरंत का तुरंत मर जाएंगे। ये सारे के सारे बल्ब मैंने बाहर निकाल लिए हैं और अभी इनको प्रिजर्व नहीं करना है। बल्ब को आप पॉटिंग मिक्स से बाहर निकालने के तुरंत बाद मत प्रिजर्व करिए, उनको 3-4 दिन आप किसी खुली जगह पे और इंडोर जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, किसी कमरे में किसी न्यूज़पेपर वगैरह पे रख दें आराम से और उन्हें हवा से सूखने दें। 3-4 दिन बाद जब वो अच्छे से सूख जाए तभी आप उनको प्रिजर्व करें। और मैंने कुछ बल्ब जो है जो कि मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे, बिल्कुल ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, आप फील कर सकते हैं इसकी आवाज जो है, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, अब इनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको तो आप साइड में रखिए, इसको 3-4 दिन के बाद प्रिजर्व करिए, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ आपको इनको प्रिजर्व कैसे करना है, जो कि मैंने 4 दिन पहले इसको निकाला हुआ है। आपको इन्हें, आप चाहें तो ड्राई कोकोपीट, बिल्कुल ड्राई अच्छे से सुखा लें आप, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बिल्कुल ड्राई कोकोपीट आप ले लें, और या फिर आप, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो ड्राई सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है, बिल्कुल ड्राई अच्छी कंडीशन में उनको आप एक दो दिन धूप में सुखा लें, उसके बाद जो है आप अपने पॉट में या फिर किसी बॉक्स में जहां भी आप रखना चाहें वहां पे अच्छे से फिल कर लें आधा, उसके बाद अपने बल्ब को, ट्यूबर्स को, राइजोम्स को उसी में फिल कर लें और ऊपर से फिर से ड्राई कोकोपीट से उनको पैक कर दें। और हो सके तो आप कोई ऐसा बॉक्स ले लें जिसमें आप इनको प्रिजर्व करके पैक कर दें, क्योंकि होता क्या है कि कई बार अगर आपके घर में चूहे वगैरह हैं तो वो बल्ब को खा के खराब कर देते हैं, और एक बार जब उनके लगाने का सीजन आ जाए तो उनको आप बड़े आराम से जहां भी लगाना चाहें वहां पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी जिंजर लिली को लगाने वाला हूं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी अपने बल्ब, राइजोम या फिर ट्यूबर्स किसी भी प्लांट के हो उनको इसी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। बस सिंपल सी 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो प्लांट आपका पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको बल्ब या ट्यूबर्स या फिर राइजोम्स को निकालने के 3-4 दिन आप उनको प्रिजर्व करके कहीं पे रख दें, ऐसे ओपन स्पेस में रख दें जहां पे जो है वो अच्छे से एक बार उनका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। तीसरी चीज आपको कोई ड्राई चीज लेनी है, जैसे कि ड्राई कोकोपीट, ड्राई सैंड, बिल्कुल ड्राई चीज हो, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर रहेगा उसमें तो आपके जो बल्ब है उसमें फंगस लग जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ड्राई आपको मीडिया लेना है, उसमें आपको अपने बल्ब को पैक करके रखना है, चूहे वगैरह से बचा के रखने के लिए आप या तो ऐसी जगह पे रख दें जहां पे चूहे ना पहुंचते हो, या फिर उसे किसी बॉक्स में पैक करके रख दें, और जैसे ही नया सीजन आता है उनको ग्रो करने का आप उनको बाहर निकालें, 1-2 घंटे आप उनको पानी में भिगोएं, उसके बाद उनको लगा दें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है वीडियो से जुड़ा हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।